हेलो गाइस, तो आज मैं देख के आया हूँ जवान। अभी अभी देख के आया हूँ, गाड़ी में बैठा हुआ। मैंने सोचा कि मेरे सारे इमोशंस मैं डाल दूँ इस रिव्यू में, बिकॉज मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। ऑनेस्टली मैं आपसे कहूँ कि हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा था कि इस फिल्म का हाइप इतना ज्यादा है, पर शायद कहीं ना कहीं इसको इससे लोग डिसअपॉइंट हो जाएंगे। बिकॉज जब इतना इतना मैक्सिमम आप एक्सपेक्टेशन देते हो लोगों को, उस एक्सपेक्टेशन को मैच करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। पर मैं पागल था, मैं भूल गया कि ये एक शाहरुख खान की फिल्म है। एंड शाहरुख खान इस इंडस्ट्री के ऐसे एक्टर है जो हार्ड वर्क करने से डरते नहीं है, जो जो अपने फैंस को बिल्कुल भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेते। वो उनको कॉन्टेंट देते हैं, उनको जो चाहिए वो देते हैं, और इस तरीके से देते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो। तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर आपने जवान नहीं देखी है तो आप जाके देखिए, और आप एक बार नहीं, आप इस फिल्म को मल्टीपल टाइम्स देखने का मन करेगा आपका। बिकॉज ये फिल्म बनाई वैसी है, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ शाहरुख खान। मैं आपसे कह दूं, सिर्फ शाहरुख खान की वजह से नहीं, एटली की वजह से, फिल्म के कॉन्सेप्ट की वजह से, कंटेंट की वजह से, फिल्म का जो पॉलिटिकल मैसेज है उसकी वजह से, हर एक चीज जो फिल्म में दिखाई गई है उसकी वजह से मैं चाहता हूँ आप इस फिल्म को देखो। मैं कोई स्पॉयलर्स नहीं दूंगा आपको इस रिव्यू में, पर मैं इस चीज के बारे में बात करना चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसे कितने एक्टर्स हैं जो अपने फैंस को सीरियसली लेते हैं। ऐसे बहुत ही कम, रेयर ऐसे एक्टर दिखेंगे आपको, पर शाहरुख खान एक ऐसे एक्टर है जो अपने फैंस को सीरियसली लेते हैं और वो डिलीवर करते हैं जो वो बताते हैं, जो वो दिखाते हैं। वेल, अगर मैं रिव्यू के बारे में, थोड़े फिल्म के बारे में बात करूं, मैं कुछ अच्छी चीजें और कुछ चीजें जो मुझे ऐसा लगता है कि बेटर हो सकती थी या नहीं होनी चाहिए थी, उसके बारे में मैं बात करूंगा। वेल, स्टार्ट करते हैं पहले फिल्म के जो बुराई है उससे, बिकॉज बाद में अच्छा ही बोलने वाला हूं मैं। बुराई मुझे ऐसे लगी कि जब फिल्म का प्रीव्यू आया तब तक तो ठीक था, गाने आए तब तक चलो फिर भी ठीक था, हमने सहन कर लिया। पर लेकिन जब ट्रेलर आया फिल्म का, वो एक ऐसी चीज है जो शायद नहीं आना चाहिए था। बिकॉज ट्रेलर में ऐसे बहुत सारी चीजें रिवील कर दी जो फिल्म देखने के वक्त हमको पता चल गया था कि अब ये होने वाला है, तो हमें पता चल गया था कब सेकंड शाहरुख की एंट्री होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज को थोड़ा सा हाइड करके रखते तो ज्यादा बेटर होता। एंड गाना, ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि गाने जितने हमें टीवी पे या हम ऑनलाइन जब हमने गाना सुना पहली बार, हमको इतना मजा नहीं आया। पर कहीं ना कहीं दो गाने हैं, एक तो चलेया और दूसरा है अपना जिंदा बंदा, तो ये दोनों गाने फर्स्ट हाफ में आते हैं और उसमें मजा आता है सुनने में, अच्छा लगता है सुनने में। बाकी जो गाने हैं वो मुझे इतने खास नहीं लगे ऑनेस्टली। बैकग्राउंड म्यूजिक जबरदस्त है, अनिरुद्ध का जो बैकग्राउंड म्यूजिक है ना फिल्म में, मतलब आपको इस तरह जोश देगा और कभी कभी इस तरह आपको इमोशनल कर देगा, आपको रुला देगा, लिटरली आप रोने जैसे हो जाओगे। तो मतलब बैकग्राउंड म्यूजिक ठीक है, दो गाने ठीक है, पर बाद में जो इंटरवल के बाद में जो दो तीन गाने हैं वो बहुत ही फालतू है, मतलब मुझे इतने खास लगे नहीं। पर एनीवेज ये चीज है। उसके बाद में जो चीज है जो मुझे कम पसंद आई वो है बेसिकली इस फिल्म का सेकेंड हाफ का इनिशियल पोर्शन जो थोड़ा सा मुझे स्लो लगा। वेल, एस्टैब्लिशमेंट थे उसमें, थोड़े कैरेक्टर एस्टैब्लिशमेंट थे, थोड़ा फ्लैशबैक था, पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा ड्रैगी हो गया वो, उसको थोड़ा सा क्रिस्प किया जा सकता था। बस यही चीजें हैं जो मुझे नहीं अच्छी लगी या कम पसंद आई। पर लेकिन जो चीजें मुझे अच्छी लगी है उसका मैं पूरा डिटेल दे देता हूँ आपको। सबसे पहले मैं बात करूंगा ऑब्वियसली शाहरुख खान के मल्टीपल रोल्स, उनकी एक्टिंग, चाहे वो फर्स्ट हाफ में हो सेकेंड हाफ में हो, बहुत ही जबरदस्त। अब हम सबको पता ही है बाप बेटे का एक डबल रोल है फिल्म में। जब बेटा रहता है फर्स्ट हाफ में तब तो मतलब जो आग लगा देता है, मैं क्या कहूँ। मुझे ऐसा लगता है कि यार अब इतना अच्छा हो गया, अब सेकेंड हाफ में क्या बताओगे आप। सेकेंड हाफ जब आता है उसके जस्ट पहले जब बाप इंट्रोड्यूस होता है तब ऐसा लगता है कि यार ये क्या था, मतलब बेटा कुछ नहीं लग रहा था उनके सामने। तो आई थिंक ये जो कॉम्बिनेशन दिया है एटली ने वो बहुत ही जबरदस्त है। तो ये चीज है। विजय सेतुपति की एक्टिंग, अगर आपको याद हो किक पिक्चर में नवाजुद्दीन सिद्दीकी की एक्टिंग कैसी थी कि विलेन होकर भी कॉमेडी करते थे बट वहां फिर भी हंस देते थे, विजय सेतुपति कॉमेडी करते वक्त भी हंसते नहीं थे। तो मतलब उनकी जो एक्टिंग है, उनका जो किरदार है वो ब्रूटल के साथ साथ थोड़ा कॉमेडियन भी है
और बहुत मजेदार है। मतलब आई थिंक बहुत बहुत सारे ऐसे रोल्स अब उनको मिलने वाले हैं बॉलीवुड में, जहां पर वो ऐसे टाइप की एक्टिंग करेंगे, वो अपने टैलेंट को और दिखाने वाले हैं बॉलीवुड में। जस्ट वेट फॉर हिम। उसके बाद मैं बात करूंगा मल्टीपल कास्टिंग की, जो मैंने अपने पहले वीडियो में भी बात की थी जवान के ट्रेलर रिव्यू के टाइम, जहां पर मैंने कहा था कि मल्टीपल कास्टिंग होने के बावजूद हर एक एक्टर को इक्वल इंपॉर्टेंस दिया जाएगा, और वो दिया है। सबके बैकड्रॉप्स है, सबका बैक स्टोरी है, सबके बारे में बताया है, और इतना क्विकली बताया कि हमें ऐसा लगता ही नहीं है कि फिल्म बहुत ज्यादा लंबी हो गई है या कुछ चीज मिस हो गई हो या ऐसा। सो इट्स अमेजिंग। दीपिका पादुकोण की जो कैमियो है वो भी बहुत क्रूशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड वो भी देखने में मजा आता है। उसके बाद में जो डैडी शाहरुख है, उनके जो सीक्वेंसेस है गाइज, मैं आपको बता दूं, उनके ही जो सीक्वेंस है उसकी एक फिल्म बन सकती है। मतलब इतना जबरदस्त रोल निभाया है शाहरुख खान ने एज अ फादर शाहरुख, मैं आपको क्या बताऊं। मतलब आई डोंट थिंक कि ऐसा रोल शाहरुख ने कभी किया है, और ना कोई एक्टर ऐसा रोल कर सकता है। जिस तरीके से पोस्चर्स उन्होंने लिए हैं, जिस तरीके से वो सिगार वाला उनका अब सीन देखना, उनके सारे सिगार वाले सीन, जिस तरीके की एक्शन सीक्वेंसेस है, एक्शन डायरेक्टर को सैल्यूट है। मतलब जो तरीके का एक्शन है फिल्म में, माइंड ब्लोइंग, और जिस तरीके से वो कॉम्प्लीमेंट करता है शाहरुख, फादर शाहरुख एंड सन शाहरुख को, तो मतलब एक से एक देखने को मिलता है और बहुत मजा आता है। मतलब आप एक एक सीन को मिस नहीं कर सकते, मतलब एक झपकी ली आपने और आपने कुछ मिस कर दिया वैसा हो जाएगा। ये तो ऐसा था, मतलब मैंने मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखी। ऑब्वियसली गेटी में मैं नहीं देखना चाहता था, बिकॉज मुझे पता है मुझे आधे तो डायलॉग सुनाई नहीं देते, अगर लोग इतना चिल्लाते करते तो डायलॉग सुनाई नहीं देते। तो मैंने सोचा मल्टीप्लेक्स में पहले फिल्म देखूंगा मैं, और भाई मल्टीप्लेक्स में जब मैंने वो फिल्म देखी, मुझे ऐसा लग रहा था मैं एक्चुअल में कोई सिंगल स्क्रीन सिनेमा में आ चुका हूँ, इतना शोर मचा रहे थे लोग। मतलब ये मैंने लास्ट एक्सपीरियंस किया था लगे रहो मुन्ना भाई के टाइम पे, जहाँ लोग एक्चुअल में चिल्ला रहे थे, लोगों को मजा आ रहा था। और यहाँ पर जवान के टाइम पे उसका डबल क्राउड था, डबल क्रेज था, डबल क्राउड था, सब कुछ था, तो इट वॉज हेल ऑफ अ टाइम। मतलब मजा आ गया देख के। फिल्म में जो सीक्वेंस है शाहरुख खान और एक बच्ची को लेके, वो भी बहुत प्यारा है, बहुत मजा आता है देखने। बहुत सारे मतलब ऐसे मेमोरीज बन गए हैं इस फिल्म को लेके के, मतलब जो हम बहुत टाइम तक भूल नहीं सकते। एंड ये फिल्म बहुत लंबा चलने वाली है दोस्तों, मतलब इस फिल्म का मैं आपको कह दूं आराम से महीने भर चलेगी फिल्म। 2000 करोड़ कमा ले आराम से, वो भी कोई शौक नहीं होगा। जिस तरीके से इस फिल्म को बनाया है, शाहरुख के फैंडम को जिस तरीके से दिखाया गया है, इटली का जो स्टाइल है, ऑब्वियसली स्टोरी जो है वो बहुत ऊपर नीचे होती है, पर जो करक्स है उसका पॉलिटिकल मैसेज जो है वो बहुत ही हार्ड हिटिंग है। एंड में शाहरुख खान का एक मोनोलॉग काइंड ऑफ सीन भी है, जहां पर वो बात करते हैं अबाउट द पॉलिटिकल सिनेरियो, एंड वो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग था देखने में। मतलब हर एक चीज, मैं क्या कहूँ, मैंने पूरी पिक्चर के बारे में बात कर ली, एंड थैंक गॉड मैंने कुछ भी स्पॉयलर्स आपके साथ शेयर नहीं किया। पर फिल्म इट्स अ फेस्टिवल इन इटसेल्फ। मतलब एक एक चीज एंजॉय करोगे, ढाई पौने तीन घंटा आप इतना एंटरटेन होंगे विद ऑल द इमोशंस। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि एटली के फिल्म की स्टोरी अच्छी हो ना हो, वो इमोशंस को बहुत ही बारीकियों से दिखाते हैं, तो उन्होंने यहाँ पर भी वही किया है। संजय दत्त का भी कैमियो है फिल्म में। मतलब मैं क्या कहूँ, फिल्म ओवरऑल फिल्म इज एक्सेप्शनल। एंड मैं एंड करते हुए यही बोलना चाहूंगा कि आप अगर जवान देख सकते हो तो देखो, और देख के आप 100% आपका दूसरे बार देखने का मन नहीं करे तो मुझे कहना, बिकॉज इट्स अ फिल्म ऑफ फिल्म्स। मतलब वो अपने आप में एक इतनी बड़ी फिल्म है, इस साल की नहीं कहूंगा मैं, तो कहूंगा कि शायद शाहरुख खान के कई सालों में अब जाके एक ऐसी फिल्म आई है जो रियली शाहरुख को बताते हैं वो जो है। एंड आई थिंक ये फिल्म के बाद में लोग तो उनको टोटली पूजना शुरू कर देंगे, लोगों को वो इतना पसंद आने वाले हैं, जस्ट लाइक हाउ वी यू नो वर्शिप रजनीकांत, तो उस लेवल के स्टार हो गए हैं वो या हो जाएंगे। सो यस, दिस इज व्हाट आई फील अबाउट द फिल्म। मैं चाहता हूँ आप लोग जरूर देखो, इस फिल्म को मिस मत करो, पूरा पैसा वसूल है, बिंदास जाओ और एंजॉय करो। मेरी तरफ से इस फिल्म को 4.5 स्टार्स, हाफ स्टार्स मैं इसी के लिए काट रहा हूँ बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि ट्रेलर जो आया था उसमें बहुत सारी चीजें ऐसी रिवील हुई जो शायद फिल्म देखने के टाइम पे हमको उस
का एहसास हो गया था, थोड़ा प्रेडिक्टेबल हो गया था, दैट्स व्हाई। अदरवाइज दिस फिल्म इज एन एब्सोल्यूट जेम।